Good morning everyone. Today we are going to start with the new lesson, that is our house and clothes. All living beings need a house to live in. As animal lives in cave, birds lives in nest, and insects live in halls. Same the humans need a house to live in. So children, हम जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स कौन कौन से हैं? इंसेक्ट्स, एनिमल, ओके, बर्ड्स, या और हम भी ह्यूमन बींग यानी इंसान जो हैं, सब क्या हैं? लिविंग बींग्स हैं. तो हम सभी को रहने के लिए हाउस की नीड होती है. तो हम लोग अपने होम पर रहते हैं, ओके. जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट में मीन्स घोंसलों में रहते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो केव मीन्स गुफाओं में रहते हैं. और जो इंसेक्ट्स होते हैं, आपने देखा है छोटे छोटे हॉल्स होते हैं फ्लोर ज़मीन में होते हैं, तो वहाँ पे वो इंसेक्ट्स रहते हैं, ओके. सो जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं उन सबको रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हाउस, ओके. सो चिल्ड्रन, जो हाउस होता है यानी जो हमारा घर होता है वो हमें किस किस से बचाता है? अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. हमारा जो घर होता है वो हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी तूफान और जंगली जानवरों से और चोरों से बचाता है, ओके. इट प्रोवाइड्स अस शेल्टर एंड कम्फर्ट. अ हाउस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो जो हमारा हाउस होता है वो हमें शेल्टर देता है, ठीक है, और हमें कम्फर्ट जोन में रखता है, मतलब हमें आराम अपने घरों में ही मिलता है, ठीक है. और जो हमारा घर होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ओके. चिल्ड्रन, आप सभी को पता है, आपको कोई बोले कि आप अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ तो क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अपना घर सबसे प्यारा होता है, ओके. हम अपने होम पर ही रहना पसंद करते हैं. और इसी तरह से जो क्लोथ्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं, अपने हमें कोल्ड से, रेन से और सभी तरह के चीज़ों से बचाते हैं, ओके. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट इज़ कीपिंग अ हाउस क्लीन. सो हमारा जो होम होता है, हमारा जो घर होता है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है आप सभी जानते हो. और जो हमारे घर होते हैं हमें उन्हें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ओके. सो चिल्ड्रन, हाउसेस कैन बी स्मॉल और बिग. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो घर है वो बहुत बड़ा ही हो, ठीक है. हाउस जो होते हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं और बिग भी हो सकते हैं. They may have one or many rooms. So, जो घर होता है उसमें वन रूम भी हो सकता है और कई सारे रूम्स भी हो सकते हैं, ओके. A house should be kept clean and tidy. चाहे हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, या हमारा वन रूम हो या बहुत सारे रूम हो, लेकिन जो घर होता है, जो हाउस होता है वो क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा. अ क्लीन हाउस हेल्प्स अस टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. क्योंकि जो क्लीन हाउस होता है वो हमें हैप्पी रखने में और हेल्दी रखने में मदद करता है, ओके. सो किस तरह से हेल्प करता है वो हमारा हैप्पी और रहने में और हेल्दी रहने में? देखिए, अगर हमारा जो घर है वो गंदा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज़ आ जाएंगे, वायरसेस आ जाते हैं, बहुत गंदगी होती है जिससे कि इंसेक्ट्स आते हैं, फिर ठीक है फ्लाइज आती हैं, मॉस्किटोज़ आते हैं, जिससे क्या होता है कि कई सारी जो डिसीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो फैलती हैं, ठीक है. और जब हम बीमार होंगे तो हमारा मूड भी ऑफ रहता है, ठीक है, हम हेल्दी भी नहीं रहते हैं और सैड रहते हैं, ठीक है. इसलिए इस सब से बचने के लिए हमारा जो हाउस होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लीन एंड टाइडी, ओके. एन अनक्लीन हाउस गेट्स जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेज एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स विच स्प्रेड सेवरल डिसीजेज. अगली ना वही बात देखिए जो मैंने आपको अभी समझाई, कि जो अनक्लीन हाउस होता है यानी जो गंदा घर होता है यानी ऐसा घर जो साफ़ नहीं होता है,
उसमें बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं, फ्लाइज़ यानी मक्खियाँ आ जाती हैं, मॉस्किटोज़ मच्छर आ जाते हैं, कॉकरोचेज़ आ जाते हैं और कई सारे अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। स्प्रेड मीन्स फैलाना और डिसीज़ मतलब सेवरल यानी कई सारे डिसीज़ यानी बीमारियाँ। तो ये जो इंसेक्ट्स मॉस्किटोज़ फ्लाइज़ होते हैं ये कई सारे डिसीज़ फैलाते हैं। ओके, लिविंग इन आर डर्टी हाउस कैन मेक अस इल, और गंदे घर में रहने से हम बीमार हो सकते हैं। ओके, अ गुड हाउस हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। तो देखिए एक अच्छे घर में किस तरह के फीचर्स होने चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सनलाइट, सो सनलाइट जो होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, सनलाइट इज़ नीडेड फॉर गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। इससे क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो कई सारे हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं, जो हमें नुकसान देने वाले जर्म्स होते हैं, उनमें नेचुरली वो उनको किल कर देती है, मार देती है, एंड स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग, और उन्हें बढ़ने से, ग्रो करने से, यानी बहुत सारे जर्म्स पैदा होने से प्रिवेंशन रहता है। ओके, सो जो सनलाइट होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सनलाइट से क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। A house should have windows to let sunlight enter. तो हमारे घर किस तरह के होने चाहिए, हमारे घर में इस तरह के विंडोज़ या इस तरह से विंडोज़ बनी हुई होनी चाहिए कि जिससे कि जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो हमारे घरों के अंदर एंटर कर सके। ओके, ताकि इससे नेचुरली जो जर्म्स होते हैं वो किल हो सकें, ठीक है, वो मर सकें। नेक्स्ट इज़ क्लीन एंड फ्रेश एयर। अब देखिए हमारा घर इस तरह से होना चाहिए कि हमारे घर में बहुत अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे कि हमें फ्रेश और क्लीन एयर, बाहर की जो फ्रेश और क्लीन एयर होती है वो हमें मिल सके। सो क्लीन एंड फ्रेश एयर हेल्प्स अस स्टे हेल्दी। जो साफ़ और ताज़ा हवा होती है वो हमें हेल्दी रहने में, वो भी हमें हेल्दी रहने में मदद करती है। जिस तरह से हमारे लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से आपको पता है कि एयर कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें सांस लेते हैं। ओके, अ हाउस शुड हैव डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट इन फ्रेश एयर। हमारे घरों में बहुत ही अच्छे से, अच्छे तरीके इससे क्या होने चाहिए, डोर्स और विंडोज़ होने चाहिए, ताकि जो फ्रेश एयर होती है वो अंदर आ सके। प्लांट शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस टू मेक द एयर क्लीन। हमारे घरों के आसपास प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करने चाहिए। और अगर आपके घरों के आसपास बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज़ या प्लांट्स नहीं हैं, तो हम छोटे जो पॉट होते हैं, गमले होते हैं, उनमें भी हम इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। ओके, ये इससे क्या होगा कि हमें फ्रेश और क्लीन एयर मिल सकेगी। ओके, सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, विंडोज़ अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू एंटर द हाउस। देखिए इस विंडो से किस तरह से फ्रेश एयर और सनलाइट आ रही है, तो हमारे घरों में भी इस तरह की विंडोज़ होनी चाहिए। ओके, ओपन डोर्स एंड विंडोज़ ऑल्सो अलाउ फ्लाइज मॉस्किटोज़ एंड अदर इंसेक्ट्स टू कम इनसाइड द हाउस। डोर्स एंड विंडोज़ शुड बी कवर्ड विद वायर नेटिंग टू स्टॉप देयर एंट्री इन टू द हाउस। सो देखिए जो ओपन विंडोज़ और डोर्स होते हैं, उससे फ्रेश एयर और सनलाइट के साथ साथ क्या होता है कि जो बाहर से इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं उड़ने वाले, और कई सारे मॉस्किटोज़ होते हैं, फ्लाइज होती हैं, वो भी अंदर आ जाती हैं। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपने देखा है कि जो वायर नेटिंग होती है, आपने देखा है कि जो हमारी विंडोज़ होती हैं उनमें नेट लगी हुई होती है ना, तो इससे क्या होता है कि एयर और सनलाइट तो अंदर आती हैं, बट जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बाहर ही उस नेट से टकरा के रुक जाते हैं। तो हमेशा हमारे जो विंडोज़ और डोर्स होते हैं उन पे वायर नेटिंग लगी हुई, मतलब उससे कवर होने चाहिए, जिससे कि जो इंसेक्ट्स मॉस्किटोज़ होते हैं वो अंदर ना आ सकें। ओके, सो चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके,